गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं रवि कुमार, लेक्चरर कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, जीपीसी डूंगरपुर। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम C++ में एक्सेस स्पेसिफायर्स के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले के वीडियो लेक्चर्स में हमने C++ का इंट्रोडक्शन देखा है, C++ क्या होती है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस क्या होती है, क्लास क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, क्लास के मेम्बर्स क्या होते हैं। अब क्लास के मेम्बर्स हैं, उनको क्लास के बाहर कौन एक्सेस कर सकता है, उनकी चाइल्ड क्लासेस में कौन एक्सेस कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है, तो इनको डिसाइड करने के लिए, इन पर कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाने के लिए हमारे पास तीन यहाँ पर एक्सेस स्पेसिफायर हैं, पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड। इन तीनों एक्सेस स्पेसिफायर की हेल्प से हम C++ में डेटा हाइडिंग, एनकैप्सुलेशन और सिक्योरिटी जैसे जो इश्यू हैं उनको हैंडल करेंगे। डेटा हाइडिंग इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फीचर्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो डेटा को छिपाना है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो प्रोग्रामिंग्स हैं, जो ये कंसेप्ट है, इसमें यूजर को सिर्फ इतना ही एक्सेस दिया जाता है या इतनी उसको परमिशन दी जाती है जितने की उसको ज़रूरत है। आप गाड़ी चला रहे हैं, आपको गाड़ी को रोकना है तो आप ब्रेक दबाओगे, ब्रेक दबाते ही गाड़ी रुक जाएगी। और आपको दिख क्या रहा है, सिर्फ ब्रेक का जो लीवर है वो दिख रहा है आपको, उसको प्रेस करना है पैर से। ऐसे ही आप बाइक चला रहे हो तो बाइक में भी ब्रेक लगाना है तो पैर से दबाना होता है। अब उसकी इंटरनल वर्किंग क्या है वो छुपी हुई है, उससे आपको कोई मतलब नहीं है। उसकी वर्किंग कैसे हो रही है, क्या मैकेनिज्म है, उससे यूजर को कोई मतलब नहीं है। उसको इतना पता है कि मेरे को ब्रेक लगाना है तो कौन सी लीवर को दबाना होता है, इतना काफ़ी है। तो इतना ही हम उसको दिखाएंगे, बाकी चीज़ है वो सारी कवर करके रखते हैं। इंजन है, उसकी वर्किंग कैसे हो रही है अंदर, हमें इससे कोई लेन देना नहीं है यूजर को, इसलिए उसको कवर डाल के अंदर रखते हैं। सिर्फ बाहर उन्हीं चीज़ों को अनकवर रखा जाता है जिनकी एक यूजर को यूजुअली ज़रूरत होती है। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस में भी ऐसा ही होता है कि ऐसे जो वेरिएबल्स हैं, फंक्शंस हैं, ऐसी क्लासेज हैं जिनको कौन कौन से प्रोग्राम में या कौन कौन से प्रोजेक्ट में कहाँ कहाँ पर एक्सेस कर सकते हैं वहीं पर एक्सेस करने की परमिशन दी जाती है, बाकी जिनको ज़रूरत नहीं है वहाँ उनके लिए वो हिडन रहती है, वो नहीं देख सकते। तो ये सारी चीज़ें हैं वो हम करते हैं एक्सेस स्पेसिफायर हेल्प की हेल्प से। और ये तीनों एक्सेस स्पेसिफायर है हमारे पास, पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड। एक्सेस स्पेसिफायर क्या करते हैं, ये प्रिवेंट करते हैं फंक्शंस ऑफ ए प्रोग्राम टू एक्सेस डायरेक्टली दी मेंबर्स ऑफ ए क्लास। तो जो हमारे प्रोग्राम के फंक्शंस हैं उनको वो रोकते हैं, जो एक्सेस स्पेसिफायर है वो रोकते हैं कि वो सीधे हमारे जो प्रोग्राम के जो मेंबर फंक्शंस है क्लास के, जिनमें वेरिएबल्स हो सकते हैं, फंक्शंस हो सकते हैं, उनको एक्सेस करने से रोकते हैं। और सिर्फ उनको एक्सेस करने की अनुमति देते हैं जिनको हम अनुमति देना चाहते हैं, जिनको ज़रूरत है। द एक्सेस रेस्ट्रिक्शन टू द क्लास मेंबर्स इज स्पेसिफाइड बाय द लेबल्ड पब्लिक, प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड। तो जैसा कि हमने देखा कि तीन जो लेबल हैं, पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड, इनके द्वारा ही निर्दिष्ट किया जाता है कि क्लास के जो मेंबर्स हैं, सदस्य हैं, वेरिएबल्स और फंक्शंस, उनको क्लास के बाहर कौन कौन एक्सेस कर सकता है। क्लास के अंदर है, क्लास के अंदर तो सब कोई एक्सेस कर ही सकता है, लेकिन क्लास के बाहर है उस पर हम रेस्ट्रिक्शन लगा देते हैं। द कीवर्ड पब्लिक, प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड आर कॉल्ड एक्सेस स्पेसिफायर्स। तो जो कीवर्ड है हमारे पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड, इन कीवर्ड्स को हम क्या बोलते हैं, एक्सेस स्पेसिफायर। और ये स्पेलिंग, और कैपिटल में लिखना है, स्मॉल में लिखना है, जैसा यहाँ पर लिखा हुआ है बिल्कुल वैसा ही प्रोग्राम में लिखना होता है। स्मॉल लेटर्स में लिखना है पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड जब भी हमें यूज करना है इनको।
बिल्कुल लिखा हुआ है, वैसे क्यों लिखना है? क्योंकि सी प्लस प्लस क्या है, केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। मतलब अगर ग्रामर के अंदर, प्रोग्रामिंग की लाइब्रेरीज के अंदर स्मॉल में लिखा हुआ है तो स्मॉल में लिखना है, कैपिटल में लिखा हुआ है तो कैपिटल में, नहीं तो फिर एरर आ जाएगी कंपाइल टाइम पर। तो सी प्लस प्लस में तीन एक्सेस स्पेसिफायर होते हैं। पब्लिक, पब्लिक का मतलब क्या है? जैसे कि वर्ड से पता चल रहा है पब्लिक, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं सार्वजनिक, इसको क्या करेगा? मेंबर्स आर एक्सेसिबल फ्रॉम आउटसाइड द क्लास। अगर हमने किसी मेंबर को पब्लिक बना दिया है, सार्वजनिक बना दिया है, तो उसको उस क्लास के बाहर भी कोई भी आसानी से एक्सेस कर सकता है। क्लास के अंदर तो कर ही सकता है डेफिनेटली, क्लास के बाहर भी कोई भी एक्सेस कर सकता है, क्योंकि हमने क्या बताया उसको कि ये पब्लिक है, ये सार्वजनिक है, कोई भी एक्सेस करो। ठीक है, तो ज़्यादातर जैसे सरकारी सेवाएं देखते हैं तो वो सार्वजनिक होती हैं, बस स्टैंड है, रेलवे स्टेशन है, एयरपोर्ट है। ठीक है, तो आप जो गवर्नमेंट की बस है या ट्रेन है या फ्लाइट है, उनमें अपना टिकट लेकर कोई भी उसमें ट्रेवल कर सकता है। वैसे ही दूसरी जो सुविधाएं, तो जो भी पब्लिक के लिए अवेलेबल होता है उसको हम पब्लिक बना देंगे। मतलब उस क्लास के बाहर भी जो दूसरी क्लासेज है उनके जो फंक्शंस हैं वो भी उसको एक्सेस कर सकते हैं। फिर आता है प्राइवेट, मेंबर्स कैन नॉट बी एक्सेस्ड और व्यूड फ्रॉम आउटसाइड द क्लास। अगर हमने किसी मेंबर फंक्शन या वेरिएबल को प्राइवेट बना दिया तो क्लास के बाहर उसको एक्सेस नहीं किया जा सकता, वो दिखेगा भी नहीं क्लास के बाहर। अगर आपने एक्सेस करने की कोशिश की तो वो एरर आ जाएगी कि ये प्राइवेट है। ठीक है, जैसे आपका मोबाइल है, तो आपका मोबाइल है उसके अंदर क्या क्या है, क्या फोटोज है, वीडियोज है, गाने हैं, वो कोई दूसरा नहीं देख सकता, क्योंकि वो आपका प्राइवेट है, आपने उसमें पासवर्ड डाल रखा है। ठीक है, प्रोटेक्टेड, तो पब्लिक का मतलब तो कोई भी एक्सेस करो, प्राइवेट का मतलब कोई भी एक्सेस नहीं कर सकता। तो इसके बीच का भी एक एक्सेस स्पेसिफायर है प्रोटेक्टेड। इसमें क्या होता है, मेंबर्स कैन नॉट बी एक्सेस्ड फ्रॉम आउटसाइड द क्लास, क्लास के बाहर कोई भी एक्सेस नहीं कर पाएगा। हाउएवर दे कैन बी एक्सेस्ड इन इनहेरिटेड क्लास, जो उसकी इनहेरिटेड क्लासेज है, जो चाइल्ड क्लासेज है, वो तो एक्सेस कर सकती है। ठीक है, तो पब्लिक का मतलब कोई भी एक्सेस करो, प्राइवेट का मतलब कोई भी नहीं कर सकता, और प्रोटेक्टेड का मतलब सिर्फ चाइल्ड क्लासेज एक्सेस कर सकती है। एक एग्जाम्पल से देखते हैं, कुछ इस तरह से सिंटेक्स रहता है हमारा सी प्लस प्लस में। हम एक क्लास बनाएंगे यहाँ पर एनिमल, क्लास एनिमल, क्लास का नेम है, वो पहला जो लेटर है उसका कैपिटल रहेगा, कर्ली ब्रेसेज। अब हम जो भी मेंबर्स हैं, चाहे वो वेरिएबल हो या फंक्शन हो, पब्लिक बनाना चाहते हैं तो हम लिखेंगे पब्लिक कोलन, और उसके बाद में जिस भी फंक्शन या वेरिएबल को पब्लिक बनाना है वो लिख देंगे। तो ये सारे पब्लिक मेंबर्स हो जाएंगे। प्रोटेक्टेड बनाने हैं तो प्रोटेक्टेड लिखा सेमी कोलन, और फिर उसके बाद में जिनको प्रोटेक्टेड बनाना है उनको लिख दिया। प्राइवेट रखना है तो प्राइवेट कोलन, और उसके नीचे जिन जिनको प्राइवेट रखना है, जिनको हम चाहते हैं कि उस क्लास के बाहर कोई भी एक्सेस नहीं कर सके, उनको हम प्राइवेट बना देंगे। अगर मान लीजिए आपने पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड इनमें से कुछ नहीं लिखा क्लास के अंदर, और सीधे ही आपने क्या लिख दिया, फंक्शंस और वेरिएबल्स लिख दिया, आपने कुछ मेंशन ही नहीं किया कि ये पब्लिक होगा, प्राइवेट होगा, प्रोटेक्टेड होगा, तो अगर आपने कुछ भी एक्सेस नहीं किया है तो बाय डिफॉल्ट सी लैंग्वेज क्या मानेगा कि आपके जो मेंबर्स हैं क्लास के, चाहे वो फंक्शन हो या वेरिएबल हो, वो बाय डिफॉल्ट प्राइवेट होंगे। अगर आप लिखना भूल गए, कुछ भी नहीं लिखा, तो बाय डिफॉल्ट प्राइवेट होंगे। अब इस केस में अगर आपको उस क्लास के बाहर एक्सेस करने की ज़रूरत पड़ी, चाहे आप मेन फंक्शन में कर रहे हैं या अदर क्लास के फंक्शन में कर रहे हैं या फिर उसके चाइल्ड क्लास में कर रहे हैं, तो वहाँ पर एरर आएगी, क्योंकि वहाँ पर एरर आएगी, वो बोलेगा कि ये जो मेंबर फंक्शन आप यूज़ करना चाहते हो, मेंबर वेरिएबल यूज़ करना चाहते हो, वो प्राइवेट है, आप उसको नहीं कर सकते। ठीक है, तो ज़रूरत के हिसाब से हम पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड एक्सेस स्पेसिफायर यूज करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं पब्लिक मेंबर्स।
A public member is accessible from anywhere outside the class but within a program. अगर हमने किसी मेंबर को पब्लिक बना दिया है तो उसको कहीं से भी एक्सेस किया जा सकता है, लेकिन कहीं से भी मतलब वो होना तो प्रोग्राम के अंदर ही चाहिए, ऐसा नहीं किसी दूसरे प्रोग्राम के अंदर एक्सेस हो रहा है। सेम प्रोग्राम के अंदर कोई भी एक्सेस कर सकता है उसको। इसका सिंटेक्स कुछ इस तरह से रहता है, जैसे हमने पहले देखा क्लास, और यहाँ पर हमने क्लास का नेम दे दिया माई क्लास। तो क्लास के नेम में क्या रहता है, हर एक जो वर्ड आएगा उसका पहला जो लेटर है वो कैपिटल रहेगा, जैसे माई का एम कैपिटल हो गया, फिर क्लास का सी कैपिटल हो गया। ऐसे अगर आप लिखोगे हेलो तो एच ई डबल एल ओ, एच है वो कैपिटल आ जाएगा। तो ये इसमें एरर नहीं आएगी, आप स्मॉल लिख दोगे तो भी एरर नहीं आएगी, लेकिन ये एक स्टैंडर्ड तरीका है जिससे हम पहचान सकेंगे ये क्लास का नेम है। कर्ली ब्रेसेस लगाया, ये हो गई हमारी क्लास, उसके बाद में पब्लिक कोलन, ये हमारा एक्सेस स्पेसिफायर हो गया। इसके बाद में हम जो हमारे क्लास मेंबर्स है वो लिखेंगे, जो वेरिएबल्स और फंक्शंस है। क्लास को क्लोज करते टाइम कर्ली ब्रेसेस क्लोज किया और सेमी कोलन। द पब्लिक कीवर्ड इज एन एक्सेस स्पेसिफायर। एक्सेस स्पेसिफायर्स डिफाइन हाउ द मेंबर्स, मेंबर्स कौन कौन से हैं, एट्रीब्यूट्स एंड मेथड्स, मतलब वेरिएबल्स, एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं वेरिएबल्स, और मेथड्स क्या फंक्शंस ऑफ अ क्लास कैन बी एक्सेस्ड। इन द एग्जाम्पल अबू द मेंबर आर पब्लिक विच मीन्स दैट दे कैन बी एक्सेस्ड एंड मॉडिफाइड फ्रॉम आउटसाइड द कोड। चलिए एक प्रोग्राम हम देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, C++ में आईओ स्ट्रीम जो फाइल है उसको हम इंक्लूड करेंगे। आईओ स्ट्रीम का मतलब, आई का मतलब इनपुट, ओ आउटपुट, स्ट्रीम, तो इनपुट आउटपुट स्ट्रीम को हम शॉर्ट में लिखते हैं आईओ स्ट्रीम। और इसको एंगल जो ब्रैकेट होता है, जो लेस देन और ग्रेटर देन का सिंबल है, उसके बीच में हम लिखते हैं। और इससे पहले लिखते हैं हैश इंक्लूड। हैश इंक्लूड का मतलब क्या हुआ, हमने इस फाइल को इंक्लूड कर लिया है हमारे प्रोग्राम में, ठीक है। तो हम जो कोड लिख रहे हैं वो तो है ही हमारे पास, और आईओ स्ट्रीम जो फाइल है उसका कोड भी हमने क्या कर लिया, इंक्लूड कर लिया हमारे प्रोग्राम में। ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम जो बेसिक फंक्शंस काम में लेंगे, सी इन सी आउट, अब सी इन और सी आउट की डेफिनेशन हमने तो लिखी नहीं है इस प्रोग्राम में, हमने तो डायरेक्टली यूज कर लिया है। क्योंकि सी इन और सी आउट की डेफिनेशन कहाँ लिखी हुई है, आईओ स्ट्रीम फाइल के अंदर। अगर हम आईओ स्ट्रीम फाइल है उसको इंक्लूड नहीं करेंगे और डायरेक्टली सी इन सी आउट यूज करेंगे तो वो एरर आ जाएगा, ठीक है। यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, तो एसटीडी का मतलब स्टैंडर्ड, तो स्टैंडर्ड हमारा जो नेम स्पेस है उसको हमने यूज किया। नेम स्पेस एक तरह से जावा में पैकेज होते हैं क्लासेस के, वैसे पैकेज है क्लासेस का, तो ये भी हमें यूज करना जरूरी है। फिर हमने एक क्लास बनाई जिसका नाम है स्क्वायर, क्लास स्क्वायर कर्ली ब्रेसेस। अब हमें क्या करना है, जो भी मेंबर्स हमें पब्लिक बनाने हैं, तो हमने लिखा पब्लिक कोलन और उसके नीचे हमने एक वेरिएबल बनाया लेंथ। लेंथ का डेटा टाइप क्या है, डबल। फिर हमने एक फंक्शन बनाया सेट लेंथ, मतलब जो हमने स्क्वायर बनाया है, क्लास का नाम क्या है स्क्वायर, तो स्क्वायर की लेंथ होगी, मतलब एक एज होगी उसकी। तो हमने एक वेरिएबल ले लिया लेंथ, उसका टाइप लिया डबल। डबल लेने से क्या है, हम 2.5 3.6 इस तरह की वैल्यू जो हम दे सकते हैं। अगर हम इंटीजर लेते तो 1 2 3 4 5 इस तरह की वैल्यू जी दे सकते थे। फिर हमने फंक्शन जो बनाया है, मेथड बनाया है, उसका नाम रखा है सेट लेंथ, मतलब ये उसकी लेंथ को सेट करेगा। यूजर है वो अपने हिसाब से उसकी लेंथ दे सकता है कि मेरे को स्क्वायर चाहिए 5 फीट लेंथ का या 6 फीट लेंथ का। void, सेट लेंथ से पहले लिखा है void। तो यहाँ पर फंक्शन के नेम से पहले जो चीज़ लिखते हैं वो होता है रिटर्न टाइप,
वॉइड का मतलब होता है कुछ भी नहीं, तो हम कुछ भी रिटर्न नहीं करना चाहते। फिर सेट लेंथ के आगे स्मॉल ब्रैकेट के अंदर हमने लिखा डबल लेन, तो डबल डेटा टाइप है और एलियन लेन क्या है, हम जो पैरामीटर पास कर रहे हैं एक वेरिएबल हमने बना दिया। दूसरा फंक्शन है गेट लेंथ, ये रिटर्न करेगा डबल और इसमें वॉइड, मतलब कोई भी पैरामीटर पास नहीं कर रहे हैं। अब मेंबर फंक्शंस की डेफिनेशन, ये कर्ली ब्रेसेज और सेमीकोलन हमने क्लास क्लोज कर दिया। हम चाहें तो जो मेंबर फंक्शंस हैं उनकी डेफिनेशन ये कर्ली ब्रेसेज क्लोज किया इससे पहले क्लास के अंदर भी लिख सकते थे, लेकिन अगर हमारे पास फंक्शंस ज़्यादा हैं तो हम क्या करते हैं, सिर्फ जैसे हमने ऊपर डिक्लेयर करके छोड़ा है सेट लेंथ और गेट लेंथ, वैसे डिक्लेयर करके छोड़ देंगे, उनकी डेफिनेशन क्लास के बाहर लिखेंगे। तो क्लास के बाहर जब लिखते हैं तो लिखने का तरीका होता है, उसमें हम क्या करते हैं, जैसे कोलन कोलन जैसे आप देख सकते हैं दो बार लिखा हुआ है, वो होता है स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर, तो इस ऑपरेटर को यूज करते हैं। और उससे पहले हम क्या लिखेंगे, क्लास का नेम स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर। कैसे लिखेंगे स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर, कोलन कोलन दो बार लिखेंगे, और हमारा फंक्शन का नेम था गेट लेंथ, ठीक है, और गेट लेंथ के अंदर हम कोई पैरामीटर पास नहीं कर रहे थे इसलिए वॉइड लिख दिया, वॉइड नहीं लिखोगे तो भी चलेगा यहाँ पर। और स्क्वायर से पहले जो डबल लिखा है वो डबल हमारा रिटर्न टाइप था फंक्शन का। फिर कर्ली ब्रेसेस के अंदर फंक्शन की बॉडी आएगी जिसमें हमने लिखा है रिटर्न लेंथ, ठीक है। यहाँ देखिए लेंथ का हमने डेटा टाइप क्या लिया था, डबल, इसीलिए हमने इस फंक्शन का रिटर्न टाइप डबल लिया है क्योंकि हम रिटर्न कर रहे हैं लेंथ को और लेंथ का डेटा टाइप क्या है, डबल है। अगर लेंथ इंटीजर टाइप की लेते तो इस फंक्शन का रिटर्न टाइप भी क्या लेते, इंटीजर लेते। फिर हमारा दूसरा फंक्शन, उसको हमने डिफाइन कर दिया, उसमें क्या किया लेंथ के अंदर वैल्यू असाइन कर दी, कौन सी, डबल लेन। जब इस फंक्शन को कॉल करेंगे तो जो पैरामीटर पास करेंगे, जो वैल्यू पास करेंगे वो हम लेंथ में असाइन कर देंगे। फिर मेन फंक्शन आ जाएगा, मेन फंक्शन है वो C++ में क्लास के बाहर रहता है, INT मेन, INT है इसका रिटर्न टाइप है। स्क्वायर स्क्वायर, तो स्क्वायर जो हमारा क्लास है उसका हमने एक ऑब्जेक्ट बना लिया स्क्वायर नाम से, सेट स्क्वायर लेंथ। अब स्क्वायर की लेंथ को सेट करना है तो हमने स्क्वायर डॉट सेट लेंथ कर दिया, और कितना कर दिया, 60 कर दी इसकी लेंथ, तो लेंथ ऑफ स्क्वायर कितना हो गया, स्क्वायर डॉट गेट लेंथ, ये प्रिंट कर देगा 60। फिर हमने डायरेक्टली भी उसमें एक असाइन किया है, ऊपर तो देखिए फंक्शन की हेल्प से किया है स्क्वायर डॉट सेट लेंथ, हमने फंक्शन बनाया था लेंथ को सेट करने के लिए उसको यूज किया है, लेकिन नीचे हम क्या कर रहे हैं, जो हमारा ऑब्जेक्ट है स्क्वायर उसकी हेल्प से लेंथ को डायरेक्टली एक्सेस कर लिया और उसमें डायरेक्टली वैल्यू हमने 100 असाइन कर दी और उसको प्रिंट भी करवा दिया, और हमारा आउटपुट भी आ गया 60 जो असाइन किया वो भी आ गया 100 भी। अब देखिए यहाँ पर क्योंकि हमने जो लेंथ है उसको पब्लिक बनाया था, ये देखिए यहाँ पर पब्लिक बनाया था, इसलिए हमने डायरेक्टली मेन फंक्शन के अंदर इसको डायरेक्टली एक्सेस कर लिया। अगर ये प्राइवेट या प्रोटेक्टेड होता तो हम इसको एक्सेस नहीं करते, नहीं कर सकते थे, एरर आती है यहाँ पर। फिर आता है प्राइवेट मेंबर्स, प्राइवेट मेंबर्स हम किस लिए यूज करते हैं, मेंबर्स को छुपाने के लिए, डेटा हाइड करने के लिए या एनकैप्सुलेशन करने के लिए। द मीनिंग ऑफ एनकैप्सुलेशन इज टू मेक श्योर दैट सेंसिटिव डेटा इज हिडन फ्रॉम यूजर्स। तो एक तरह से हमने एक कैप्सूल के अंदर फिट कर दिया सारे मेंबर्स को, वो बाहर से है वो विजिबल नहीं है, नहीं उसको कोई एक्सेस कर सकता है। टू अचीव दिस यू मस्ट डिक्लेयर क्लास वेरिएबल एट्रीब्यूट्स एज प्राइवेट, कैनॉट बी एक्सेस्ड फ्रॉम आउटसाइड द क्लास। इफ यू वांट अदर्स टू रीड और मॉडिफाई द वैल्यू ऑफ अ प्राइवेट मेंबर यू कैन प्रोवाइड पब्लिक गेट एंड सेट मेथड्स, ठीक है। तो अगर आपने प्राइवेट बना दिया तो आप बाहर इसको एक्सेस नहीं कर पाएंगे, अगर आप चाहते हैं कि उसको बाहर एक्सेस किया जाए प्राइवेट मेंबर को मॉडिफाई किया जाए, उसको एक्सेस किया जाए, तो आप पब्लिक मेथड्स बनाने पड़ेंगे आपको गेट और सेट।
A private member variable or function cannot be accessed or even viewed from outside the class. Only the class and friend functions can be accessed private members. तो private बना दिया इसका, हम लोग सिर्फ class के अंदर ही access हो सकता है, बाहर नहीं होगा. बाहर एक condition में access होता है, friend function की condition में. ठीक है, आपका मोबाइल है वो प्राइवेट प्रॉपर्टी है आपकी, आपके अलावा कोई नहीं देख सकता. पर आपका दोस्त है वो आपसे एक रिक्वेस्ट करे तो आप उसको दे सकते हो मोबाइल देखने के लिए. अब प्रोग्राम की हेल्प से हम इसको समझते हैं. हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी. हमने एक क्लास बनाई रेक्टेंगल नाम से और इसमें पब्लिक बना दिया हमने लेंथ को, सेट विड्थ और गेट विड्थ, और प्राइवेट बना दिया हमने विड्थ को. तो यहाँ देखिए लेंथ है उसको तो हमने पब्लिक बनाया और विड्थ को बना दिया प्राइवेट. मतलब इससे पहले वाले प्रोग्राम में जैसा हमने देखा था कि ऑब्जेक्ट की हेल्प से डायरेक्टली हमने मेन फंक्शन में एक्सेस कर लिया था उसको, तो यहाँ लेंथ को तो हम एक्सेस कर लेंगे लेकिन विड्थ है उसको नहीं कर पाएंगे. अगर विड्थ को आपको मॉडिफाई करना है, एक्सेस करना है, तब सेट विड्थ और गेट विड्थ फंक्शन की हेल्प से आप कर सकते हो. देखते हैं इसको. गेट विड्थ और सेट विड्थ दोनों की डेफिनेशन लिख दी क्लास के बाहर. अब मेन फंक्शन लिया, यहाँ पर देखिए रेक्टेंगल का हमने एक ऑब्जेक्ट बना दिया रेक्टेंगल वन नाम से, और रेक्टेंगल वन डॉट लेंथ में डायरेक्टली असाइन कर दिया 100. ठीक है, तो लेंथ वो क्लास के बाहर एक्सेस हो गया, मेन के अंदर एक्सेस हो गया लेंथ, क्योंकि ये क्या था, पब्लिक था. और इसकी वैल्यू भी हम प्रिंट करके दिखा देंगे. लेकिन अब हम कोशिश कर रहे हैं रेक्टेंगल वन डॉट विड्थ, विड्थ को एक्सेस करने की और उसके अंदर वैल्यू असाइन करने की. तो यहाँ पर एरर आएगी क्योंकि हमारी विड्थ है वो है प्राइवेट, और प्राइवेट को हम बाहर एक्सेस नहीं कर सकते, सिर्फ क्लास के मेंबर फंक्शन से एक्सेस कर सकते हैं. इसलिए हम क्लास को सेट करने, उसकी विड्थ को सेट करने के लिए रेक्टेंगल वन डॉट सेट विड्थ, जो सेट विड्थ जो हमने क्लास का मेंबर फंक्शन बनाया उसको यूज करेंगे और उसमें वैल्यू करेंगे 60 असाइन. फिर प्रिंट करेंगे उस टाइम भी गेट विड्थ जो हमने फंक्शन बनाया था वो यूज करेंगे. ठीक है, इसलिए हमारी 100 और 60 आएगा. ये 70 जो वैल्यू हम असाइन करने की कोशिश कर रहे थे वो हम नहीं कर सकते क्योंकि ये प्राइवेट है. तो एनकैप्सुलेशन की ज़रूरत क्यों होती है, हम बता रहे हैं कि प्राइवेट जो एक्सेस स्पेसिफायर है उसकी हेल्प से हम जो एनकैप्सुलेशन प्रॉपर्टी है उसको अचीव करते हैं. ज़रूरत क्या है एनकैप्सुलेशन की, इट इज़ कंसिडर्ड गुड प्रैक्टिस टू डिक्लेयर योर क्लास एट्रीब्यूट्स एज प्राइवेट एज ओपन एज यू कैन. एनकैप्सुलेशन एनश्योर बेटर कंट्रोल ऑफ योर डेटा बिकॉज यू और अदर्स कैन चेंज वन पार्ट ऑफ द कोड विदाउट अफेक्टिंग अदर पार्ट्स. दूसरी चीज़ है कि एनकैप्सुलेशन से सिक्योरिटी इंक्रीज हो जाती है डेटा की. तो हमने प्राइवेट देख लिया, पब्लिक देख लिया. पब्लिक में कोई भी एक्सेस कर रहा है, कोई सिक्योरिटी नहीं है. प्राइवेट के अंदर इतना रेस्ट्रिक्शन हो गया सिर्फ क्लास के मेंबर फंक्शन ही उसको काम में ले सकते हैं या फ्रेंड काम में ले सकता है. अब मान लीजिए इनहेरिटेंस की प्रॉपर्टी भी हमारे पास होती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज में, तो चाइल्ड क्लास क्या करेगा, पब्लिक को तो कर ही लेगा क्योंकि सब कर रहे हैं, प्राइवेट को नहीं कर पाएगा. और अगर हमने पब्लिक बना दिया तो उसको कोई भी एक्सेस करेगा. तो हमें एक बीच का एक्सेस स्पेसिफायर की ज़रूरत पड़ी जिसको बाहर कोई एक्सेस नहीं कर पाए पर चाइल्ड क्लास तो एक्सेस कर पाए. इसलिए हमने बनाया प्रोटेक्टेड. ए प्रोटेक्टेड मेंबर वेरिएबल और फंक्शन इज वेरी सिमिलर टू ए प्राइवेट मेंबर बट इज प्रोवाइडेड वन एडिशनल बेनिफिट दैट दे कैन बी एक्सेस्ड इन चाइल्ड क्लासेज विच आर कॉल्ड डिराइव्ड क्लासेज. तो जब हम इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस की उसको हम यूज करते हैं जब चाइल्ड क्लासेस बनाते हैं, तो हमें प्रोटेक्टेड एक्सेस स्पेसिफायर की ज़रूरत होती है. इनहेरिटेंस में क्या करते हैं, इन सी प्लस प्लस इट इज़ पॉसिबल टू इनहेरिट एट्रीब्यूट्स एंड मेथड्स फ्रॉम वन क्लास टू अनदर. वी ग्रुप द इनहेरिटेंस कंसेप्ट इनटू टू कैटेगरीज, डिराइव्ड क्लास जिसको हम चाइल्ड बोलेंगे और बेस क्लास जो पेरेंट होगी.
क्लास दैट इनहेरिट फ्रॉम अनदर क्लास, जो इनहेरिट की जाएगी, इनहेरिट करेगी जो, वो होगी चाइल्ड क्लास, और जिसको इनहेरिट करेंगे वो होगी पेरेंट क्लास। ठीक है, वो जो हम रियल लाइफ में देखते हैं वही सिस्टम है पेरेंट और चाइल्ड का। पेरेंट से जनरेट होगी चाइल्ड क्लास। तो जब चाइल्ड पेरेंट तो है, वो तो स्टैंड अलोन हो गई ऊपर, जैसे नॉर्मली अपन क्लास बनाते हैं वैसे ही बनाएंगे। लेकिन जब चाइल्ड क्लास बनाएंगे तो चाइल्ड क्लास में हम लिखेंगे कि ये क्लास है, ये इस क्लास को एक्सेस, इसको इनहेरिट कर रही है, तो वहाँ पर पेरेंट क्लास का नाम भी लिखेंगे। और जब इनहेरिट करेंगे तो हम कोलन जो सिंबल है हमारा उसको यूज करेंगे। अब हम एक एग्जांपल देखते हैं जिसमें हम क्या बना रहे हैं, एक क्लास बना रहे हैं व्हीकल, ये क्या रहेगी, पेरेंट क्लास होगी। अब व्हीकल के अंदर अलग अलग टाइप के व्हीकल्स हो सकते हैं, कार हो सकती है, बाइक हो सकती है, साइकिल हो सकती है, ट्रक हो सकता है। व्हीकल का मतलब कुछ भी ऐसा जिसके अंदर व्हील्स होते हैं, तो इसमें अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, टू व्हीलर, फोर व्हीलर। तो इसकी एक चाइल्ड क्लास होगी, अब व्हीकल क्लास है उसी की चाइल्ड क्लास होगी, सब साइकिल, बाइक, कार, ट्रक सब उसी की होगी। तो उनमें से क्या है, कार भी क्या है, उसकी एक चाइल्ड क्लास है। तो कैसे बनाएंगे, हैश इंक्लूड आयो स्ट्रीम, हैश इंक्लूड स्ट्रिंग यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। बेस क्लास हमारी क्या है, बेस क्लास को हम पेरेंट क्लास भी बोलते हैं, ये है क्लास व्हीकल। और इसमें हमने पब्लिक बना दिए स्ट्रिंग, ब्रांड कौन सा ले लिया, टाटा का, ब्रांड नेम क्या, टाटा, टाटा का जो व्हीकल्स है। फ्यूल टाइप हमने ले लिया डीजल। फिर इसकी डिराइव्ड क्लास बनाई, डिराइव्ड क्लास कौन सी ली, अब टाटा व्हीकल्स है तो टाटा में ट्रक भी आते हैं, बस भी आती है, कार भी आती है, तो हमने कार नाम से एक क्लास बनाई, वो इनहेरिट करेगी व्हीकल को, क्योंकि व्हीकल वाली सारी प्रॉपर्टीज चाइल्ड क्लास में ऐसे कैसे आएगी। कार की अलग प्रॉपर्टीज भी रहेगी अपनी, लेकिन व्हीकल वाली जो कॉमन प्रॉपर्टीज व्हीकल में, कि टायर होंगे, ब्रेक होगा, स्टेयरिंग होगा, ये जो कॉमन प्रॉपर्टीज है वो तो ट्रक में भी होगी, बस में भी, सब में होगी। तो कार है उसमें उन प्रॉपर्टीज की जरूरत होगी, तो कार ने इनहेरिट कर लिया व्हीकल को। तो यहाँ पर व्हीकल हो गया पेरेंट क्लास और कार हो गई चाइल्ड क्लास। यहाँ पर हमने पब्लिक स्ट्रिंग, इसमें मॉडल ले लिया हमने सफारी। फिर हमने INT मेन फंक्शन लिखा, उसमें कार क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया माई कार, और फिर माई कार से हमने एक्सेस किया फ्यूल टाइप, सी आउट कर दिया माई कार डॉट ब्रांड प्लस माई कार डॉट मॉडल, तो ये आउटपुट आ गया। पहले हमने फंक्शन को कॉल किया फ्यूल टाइप। अब देखिए फ्यूल टाइप है वो पेरेंट क्लास का फंक्शन था, लेकिन चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट भी उसको एक्सेस कर रहा है, क्यों, वो सारी की सारी चीज़ें हैं वो पेरेंट वाली चाइल्ड के अंदर समाहित हो जाती है सब, सिर्फ पब्लिक और प्राइवेट, पब्लिक और प्रोटेक्टेड वाली, प्राइवेट वाली नहीं आएगी। तो यहाँ पर हमने क्या बनाया था, पब्लिक बनाया था, इसलिए ये फंक्शन हम एक्सेस कर पा रहे हैं इसके ऑब्जेक्ट से। अगर प्राइवेट बनाते तो जो माई कार हमारा ऑब्जेक्ट है कार का, उससे हम एक्सेस नहीं कर पाते, क्योंकि प्राइवेट मेंबर्स हैं वो इनहेरिट नहीं होते हैं। और फिर हमारा टाटा उसका ब्रांड का नाम आ गया और सफारी आ गया, तो ये सब हमने पब्लिक बनाए थे इसलिए आगे। वाई एंड वेन टू यूज इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस क्यों काम में लेते हैं और कब लेते हैं, इट इज़ यूजफुल फॉर कोड रीयूजिबिलिटी। इनहेरिटेंस का मेन जो फायदा, एडवांटेज, वो क्या है, कोड रीयूजिबिलिटी। एक बार कोड यूज लिखेंगे और उसको बार बार यूज करेंगे, राइट वंस एंड यूज मैनी टाइम्स। तो हमने व्हीकल के अंदर एक बार कोड लिख दिया, अब जितनी भी क्लासेज है व्हीकल को इनहेरिट करेगी, व्हीकल की चाइल्ड क्लासेज जितनी भी बनाएंगे उनके अंदर, व्हीकल के अंदर जो हमने मेंबर्स लिखे हैं, जो कोड लिखा है, जिसको हमने पब्लिक या प्रोटेक्टेड बना दिया है, वो उनमें दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, जैसा कि हमने अभी देखा है। इसमें रीयूज एट्रीब्यूट्स एंड मेथड्स ऑफ एन एग्जिस्टिंग क्लास व्हेन यू क्रिएट ए न्यू क्लास। एक प्रोग्राम की हेल्प से समझते हैं, हैश इंक्लूड आयो स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी क्लास बॉक्स प्रोटेक्टेड डबल विड्थ
class box 1 box small box is the derived class. तो यहाँ पर हमने क्या लिया, एक बॉक्स नाम से क्लास बनाई और उसमें प्रोटेक्टेड एक वेरिएबल बनाया डबल, जिसका डेटा टाइप है विड्थ। फिर बॉक्स वन है वो चाइल्ड क्लास हो जाएगी, बॉक्स पेरेंट क्लास हो गई, बॉक्स वन चाइल्ड क्लास हो गई। और चाइल्ड क्लास में हमने दो फंक्शन बनाए, सेट विड्थ और गेट विड्थ। क्लास क्लोज हो गई और यहाँ पर हमने इनकी डेफिनेशन लिख दी गेट विड्थ और सेट विड्थ की। फिर मेन फंक्शन के अंदर हमने बॉक्स वन क्लास का बॉक्स वन ऑब्जेक्ट बनाया और बॉक्स वन की हेल्प से हमने सेट विड्थ को कॉल किया और हमने विड्थ को सेट कर दिया 200 और इसका आउटपुट आ गया विड्थ ऑफ बॉक्स वन इक्वल टू 200। तो ये हमारे एक्सेस स्पेसिफायर्स थे C++ में। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। नए वीडियोज की अपडेट प्राप्त करते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। Thank you for watching.